मेरे पास काफी सारे क्वेश्चन आए हुए हैं और उस सब में पूछा गया है कि सर आप बताइए कि ICICI बैंक में एड्रेस चेंज कैसे करेंगे। सो गाइस, मैं इंजीनियर राजा और मैं आज आपको बताऊंगा पूरा फुल्ली और पूरा कंप्लीट प्रोसेस कि आप ICICI बैंक में किस तरीके से आप एड्रेस चेंज करेंगे, और साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि आप HDFC बैंक में भी आप किस तरीके से आप अपना एड्रेस चेंज करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। बैंक में एड्रेस चेंज करने के लिए आपको इस पेज पे आना होगा। आप अपने ब्राउज़र में टाइपिंग कर दीजिएगा ICICIbank.com, तब इस पेज पे आप आ जाएंगे। यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पहले आपको लॉगिन करना पड़ेगा। चलिए मैं यहाँ पर लॉगिन पे क्लिक करके यहाँ लॉगिन कर लेते हैं। इसके बाद ये क्या करना पड़ेगा, आपको अपने यहाँ पे लॉगिन आईडी जो है वो डालना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पासवर्ड डाल के यहाँ पे आपको सिंपली आपको क्या करना, लॉगिन कर लेना पड़ेगा। लॉगिन होने के बाद आपको कुछ इस तरीके से पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ देख रहे हैं कि साइड में जाइएगा, राइट साइड में यहाँ देख रहे हैं कि कस्टमर सर्विस, यहाँ सर्विस पे यहाँ देख रहे हैं कि सर्विस रिक्वेस्ट पे आपको इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाएगा, जहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पैन कार्ड अपडेट कर सकते हैं, यहाँ आपका रिक्वेस्ट डायरेक्ट बेनिफिट का ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं, यहाँ देख रहे हैं कि रिक्वेस्ट फॉर फैमिली बैंकिंग के भी लिए आप कर सकते हैं, यहाँ अकाउंट अपडेट भी कर सकते हैं, यहाँ व्यू अपडेट नॉमिनी को भी अपडेट कर सकते हैं, या एड्रेस चेंज कर सकते हैं, तो यहाँ ट्रांसफ़र माय अकाउंट एंड नियरेस्ट बैंक, तो यहाँ से आपको बहुत सारा ऑप्शन मिल जाता है जो आप यहाँ से बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो इसी सारे ऑप्शन में आपको ऑप्शन मिल जाएगा एड्रेस चेंज का, आप सिंपली इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस तरीके से पेज ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पे आपका साइड में देख रहे हैं कि यहाँ पे आपका पूरा एड्रेस मिल जाएगा, जो आपका इस बैंक में एड्रेस दिए हैं वो एड्रेस आपको यहाँ पे शो कर रहा है। और जो भी आप अपना नया एड्रेस रखना चाहते हैं वो आपको नया एड्रेस यहाँ पे पूरा फिलअप करना होगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना पड़ेगा, जिसके लिए आप अपना एड्रेस चेंज करा रहे हैं, तो यहाँ से अपना डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर सकते हैं कि कौन डॉक्यूमेंट आप देना चाहते हैं प्रूफ में। तो यहाँ पे आधार कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस, नरेगा कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आई डी। चलिए सिंपली यहाँ हम आधार कार्ड ही सेलेक्ट कर लेते हैं। आपका आधार कार्ड देख रहे हैं कि PDF, TIFF, JPG और PDF फाइल में होना चाहिए। और यहाँ देख रहे हैं कि आपका जो फाइल होना चाहिए 4 MB तक का सपोर्ट करेगा, इससे ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। यहाँ पे आपको जो अपलोड करना पड़ेगा, फर्स्ट पेज आपको इसमें अपलोड करना पड़ेगा, मतलब आधार कार्ड का फर्स्ट पेज का, इसके बाद आधार कार्ड का बैक साइड का जो दिए हैं, तो इसमें दोनों साइड का आपको अपलोड करना पड़ेगा। यहाँ चूज पर क्लिक कीजिएगा, जहाँ भी होगा, जहाँ से होगा वहाँ से लेकर इसमें सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद सिंपली यहाँ पर अपलोड पर जाकर यहाँ पर अपलोड कर देना है। जैसे देखिए मैं यहाँ सेलेक्ट कर लिया हूँ, सिंपली यहाँ पे आपको इसे अपलोड कर देना है। इसे अपलोड कीजिएगा तो यहाँ पे आपका अपलोड हो जाएगा। तो आप देख लीजिए, सिंपली मैं यहाँ पे अपलोड कर दिया हूँ, ये अपलोड हो चुका है। और आप इसका प्रीव्यू यहाँ देख सकते हो कि ये ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। चलिए मैं यहाँ से इसको बैक कर देता हूँ। अब देखिए मेरा ऑलरेडी यहाँ पे अपलोड हो चुका है। इसी तरह आपको यहाँ पे सेकेंड का भी अपलोड कर लेना, तो चूज फाइल पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जहाँ हुआ वहाँ से सेलेक्ट करके सिंपली यहाँ अपलोड पर क्लिक कर देना है, तो आपका इसी तरह सेकेंड पेज का भी अपलोड हो जाएगा। इसके बाद अब देखिए यहाँ बोला जा रहा है कि आप प्लीज इंटर एड्रेस, क्या बोल रहा है, आधार कार्ड में जो एड्रेस है वही एड्रेस आपको यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अपना हाउस नंबर देंगे, फ्लैट नंबर देंगे, यहाँ फ्लोर नंबर डाल देंगे, यहाँ बिल्डिंग या परमिशन नंबर है जो भी यहाँ डालेंगे, रोड एस्टेट एरिया का नाम यहाँ डालेंगे, एस्टेट रोड का नाम यहाँ डालेंगे, लैंडमार्क मतलब सब मार्क जो कोई हाईलाइट जगह है उसका नाम यहाँ पर डाल देंगे, यहाँ लोकेलिटी एरिया का जो भी नाम है यहाँ डालेंगे, एस्टेट इसमें सब चूज कर लेंगे कौन सी एस्टेट से यहाँ चूज कर लेना है, यहाँ सिटी चूज कर लेना है कि कौन सा सिटी से, जो भी सिटी से आपको इसमें सिंपली यहाँ से चूज कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर अपना पिन कोड डाल देना है, मोबाइल नंबर यहाँ डालना है, और ईमेल आईडी आपको यहाँ पर डाल देना है। इसके बाद यहाँ पर आपको कंसेंट देना है, एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट करने के बाद सिंपली यहाँ पर देख रहे हैं कि प्रीव्यू फाइनल एड्रेस, आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ देख रहे हैं कि कुछ इस तरीके से आपका वो गाइडलाइन दे रहा है, यहाँ पर शो कर रहा है। तो आपके सामने ये न्यू एड्रेस आ चुका है जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। आप चाह रहे हैं कि अगर ये एड्रेस सही नहीं है तो यहाँ एडिट पर जाके इसको सही कर सकते हैं। अगर लग रहा है कि सब कुछ सही है, सिंपली यहाँ सबमिट पर क्लिक करेंगे।
तो आपके पास जिसे सबमिट कीजिएगा आपके पास एक OTP आएगा, OTP डालकर सबमिट कीजिएगा तो आपका जो एड्रेस सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा और आपका जो एड्रेस है 24 घंटे के अंदर अंदर में आपका जो पुराना वाला एड्रेस है नए वाले एड्रेस पे आपका बैंक का जो एड्रेस है पुराने वाला वो नए वाला में एड्रेस में चेंज हो जाएगा। और साथ ही आपको एक रिक्वेस्ट नंबर दे दिया जाएगा और 24 घंटे से 48 घंटे के अंदर अंदर आपका जो एड्रेस है नए एड्रेस में चेंज कर दिया जाएगा। HDFC बैंक में आपको एड्रेस चेंज करने के लिए आपको इस पेज पर आना होगा। यहाँ पर आपको ब्राउज़र टाइपिंग कीजिएगा nethdfcnetbanking.com। तो इस तरीके से आपको ये पेज ओपन हो जाएगा। अपना यूजर आईडी डाल के और पासवर्ड डाल के कंटिन्यू लॉगिन कर लेना है। यूजर आईडी डालने के बाद यहाँ पर पासवर्ड डालना है, क्या कैप्चा को जो टर्म को एक्सेप्ट करके यहाँ लॉगिन कर लेना है। लॉगिन होते ही आपको साथ आपका जो पेज है इस तरीके से कुछ ओपन हो जाएगा। तो आपको HDFC में आपको एड्रेस चेंज कराने के लिए आपको लॉगिन होते ही यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ आप डेट कनेक्ट डिटेल पर आपको क्लिक करना होगा। तो आपके सामने आपका पूरा एड्रेस आ जाएगा, यहाँ देख रहे हैं अपडेट एड्रेस। अब इस पर क्लिक करेंगे, इसके बाद यहाँ पर आपका नीचे आके यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा अपडेट का, आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से एक न्यू टैब ओपन हो जाएगा और यहाँ पर अपना अकाउंट में जो भी एड्रेस रखना चाहते हैं वो आपको यहाँ पर डाल देना है। इसके बाद यहाँ पे नीचे आपको एड्रेस प्रूफ की एक लिस्ट मिल जाएगी जो आप यहाँ से चूज कर सकते हैं, जैसे आधार कार्ड हो गया, वोटर आईडी, फोटो, इलेक्ट्रिक बिल, वोटर कार्ड। तो यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन है, जो भी आप देना चाहते हैं एड्रेस प्रूफ में वो आप यहाँ सिंपली सेलेक्ट कर लेंगे। चलिए हम यहाँ पे आधार कार्ड सेलेक्ट कर लिए हैं। अब यहाँ पे आपको आधार कार्ड का फोटो भी अपलोड करना पड़ेगा, सिंपली इस पर क्लिक करके जहाँ भी फोटो इस तरीके से आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर अपलोड पर क्लिक करेंगे। देखिए आपका जो अपलोड यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे हो चुका है, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे अपलोड का ऑप्शन आ चुका है, अपलोड हो चुका है। इसके बाद सिंपली स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे, यह कैप्चा है। कैप्चा अगर समझ में नहीं आती है तो कैप्चा के यहाँ के रिफ्रेश कर लेंगे, यहाँ कैप्चा डालेंगे, यहाँ कंसेंट देंगे और यहाँ पर सबमिट कर देना है। तो आपका रिक्वेस्ट प्लेस हो जाएगी और आपका डॉक्यूमेंट सही है, 2 दिन के अंदर अंदर में आपका जो एड्रेस जो नया एड्रेस दिए रहेंगे उस पर ऑलरेडी सेंड कर दिया जाएगा और आपका वहां का एड्रेस हो जाएगा। सो इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से HDFC बैंक का और ICICI बैंक का जो एड्रेस चेंज कर सकते हैं, वो भी घर बैठे अपने लैपटॉप अपने मोबाइल से बहुत ही आसानी से 24 घंटे 48 घंटे में। अगर आपका प्रूफ वगैरह सही है बहुत ही आसानी से आपको 24 घंटे 48 घंटे के अंदर अंदर में आपका जो एड्रेस है नए एड्रेस में कन्वर्ट कर दिया जाएगा और आपका नया एड्रेस में आपका बैंक अकाउंट हो जाएगा। सो आज इसी तरीके से आप बहुत ही आसानी और सिंपल तरीके से आप ICICI बैंक और HDFC बैंक में बहुत ही आसानी से आप अपना एड्रेस चेंज कर सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होंगी। अगर अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और आपके दिल में कोई क्वेश्चन हो तो कॉमेंट बॉक्स में जाके कॉमेंट करके पूछ सकते हैं।